गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकुर कुमार कांडपाल। सो टूडे वी विल डिस्कस अवर न्यू टॉपिक इन फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट, दैट इज केमिकल नेचर ऑफ ड्रग्स ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स। तो जो भी हमें प्लांट्स से मिलने वाले केमिकल्स होंगे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, कि हमें प्लांट से कौन कौन से टाइप्स के केमिकल्स मिलते हैं। ठीक है, केमिकल्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो हम सब इसमें स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें जो ड्रग होती है वो कहाँ कहाँ से मिल सकती है। हमें ड्रग मिल सकती है प्लांट से, मिल सकती है एनिमल से, मिल सकती है मिनरल से, मिल सकती है और अदर सब्सटेंसेस से। हमें जो भी हमारी ड्रग्स है वो मिल सकती है। तो हम बात करेंगे जो भी हमें प्लांट से मिलने वाली ड्रग्स है उसके केमिकल नेचर, तो क्या जो नेचुरल केमिकल होंगे प्लांट से मिलने वाले उनके बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें। तो हमें प्लांट से हमें क्या क्या मिल सकता है, तो उसमें हमें मिल सकता है प्लांट से जो भी केमिकल हो सकता है वो हमें मिल सकता है। कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, ग्लाइकोसाइड्स मिल सकता है, टैनिन्स मिल सकता है, लिपिड्स मिल सकते हैं, वोलाटाइल ऑयल्स मिल सकते हैं, रेजिनियस सब्सटेंस मिल सकते हैं, प्रोटीन्स मिल सकते हैं, एल्कलॉइड्स मिल सकते हैं। तो ये सारे हमारे केमिकल हैं जो हमें किससे मिल सकते हैं, प्लांट से। तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारी ड्रग्स के क्या मेजर सोर्स होते हैं। तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट से हमें बहुत टाइप्स की ड्रग्स मिल सकती हैं। तो जो मेजर सोर्स, मेजर जो हमारा सोर्स होगा ड्रग्स का वो हमारा क्या होगा, प्लांट होगा। तो प्लांट मतलब पौधे, पेड़ पौधे। जो पेड़ पौधे से हमें बहुत टाइप्स की क्या हो सकती हैं, ड्रग्स मिल सकती हैं। तो पेड़ पौधे से हमें जो भी ड्रग्स मिलेगी उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या रहेगा, हमारा केमिकल रहेगा, केमिकल सब्सटेंस। तो जो होता है केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड एज फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो भी हमें क्या होगा, जो भी प्लांट से हमें कोई भी टाइप का केमिकल मिलेगा, प्लांट से हमें केमिकल्स मिलेंगे बहुत सारे, तो जैसा भी हमें केमिकल मिलेगा, केमिकल सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो जो भी हमारे टाइप्स का अगर प्लांट होगा, प्लांट से हम क्या कुछ अपना केमिकल को हम निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस को फाइटो कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे। ठीक है, जो भी केमिकल मिलेगा और यही जो हम जिसमें अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री का, तो उसे हम कहेंगे फाइटो केमिस्ट्री। अगर हम किसी भी प्लांट के, प्लांट में उपस्थित केमिकल के बारे में अगर हम स्टडी करना चाहेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, फाइटो केमिस्ट्री। तो जो हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे वो हैं जो हमें क्या होते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो हमें क्या है, प्लांट से मिलेंगे, वो हमारे क्या कहलाए जाएंगे, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाए जाएंगे। और क्या होगा, अगर हम प्लांट की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट से जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसकी केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, नेचुरल सब्सटेंस की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइटो केमिस्ट्री। सिंपली हमारा फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, जो भी हमें केमिकल सब्सटेंस हमें प्लांट से मिल रहे हैं वो हमारे क्या हैं, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं प्लांट के बारे में, प्लांट प्रोडक्ट के बारे में, नेचुरल सब्सटेंस के बारे में, वो हमारा क्या है, फाइटो केमिस्ट्री है। तो स्टूडेंट, जो भी प्लांट होता है, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, उसकी अपनी एक मेडिसिनल वैल्यू होती है। कि हर कोई एक पौधा होता है वो क्या, हर किसी अलग अलग बीमारियों के लिए काम आता है। तो ये हमारी जो भी मेडिसिनल वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, प्लांट के नेचर ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। जो भी उस पौधे में अपना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा उस पे डिपेंड करेगी हमारी मेडिसिनल वैल्यू। तो जो हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा, जो क्या होगा, किसी भी थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव प्रिंसिपल। तो जो भी हमारे प्लांट के अंदर जो भी केमिकल होंगे, ठीक है, केमिकल होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे। ठीक है, और उसके केमिस्ट्री ऑफ प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट या नेचुरल सब्सटेंस की अगर हम केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं तो हमें उसका क्या बोलेंगे, फाइटो केमिस्ट्री बोलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे केमिकल सब्सटेंसेस जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो अब हम उसको देख रहे थे क्लासिफिकेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर द एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो जो हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमें किस में मिल सकता है, गम्स म्यूसिलेजेस में मिल सकता है। सेकेंड है हमारा ग्लाइकोसाइड्स, थर्ड है हमारा टैनिन्स, फोर्थ है हमारा वोलाटाइल ऑयल्स, फिफ्थ है हमारा लिपिड्स, और सिक्स्थ है हमारा रेजिनियस सब्सटेंसेस, सेवन्थ है प्रोटीन्स, एट्थ है एल्कलॉइड्स। तो ये सब क्या हमारे केमिकल, हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हमें किसी भी प्लांट से मिलते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में या प्लांट एनिमल्स में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो भी हमारे क्या होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे क्या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंटेन करते हैं, जिनका रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है बॉडी के लिए, तो ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल। जो भी कोशिका होती है उसके लिए एक एनर्जी का मेन जो सोर्स है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल, जो भी हमारी प्लांट की सेल्स होंगी उसका जो भी मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑन कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे क्या होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है। तो ये हमें टू टाइप्स में हम इसको चेंज
क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमारे शुगर्स आता है विच इंक्लूड मोनो डाई ट्राई एंड टेट्रासेकेराइड्स, और सेकंड आता है हमारा पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, बहुत सारी मोनोमर मोनोसेकेराइड्स की बहुत सारी एक साथ यूनिट मिलेंगी तो पॉलीसेकेराइड बना देगी। तो हमारा सिंपली क्या है, जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है टू टाइप्स में है, एक सिंपली हमारा आता है मोनोसेकेराइड्स और दूसरा आता है हमारा पॉलीसेकेराइड्स। तो स्टूडेंट जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो क्या होंगे, सिंपल शुगर्स होंगे। तो शुगर्स हमारी क्या होंगे, टेस्ट में स्वीट्स होंगी, मीठी होंगी टेस्ट में, ठीक है। और सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होगी, सॉल्युबल होगी। जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट है वो क्या, शुगर है। और शुगर क्या है, हमारी टेस्ट में स्वीट है और पानी में सॉल्युबल है, ठीक है। तो शुगर को भी हमने क्या है, फर्दर क्लासिफाई किया गया है मोनोसेकेराइड्स, डाईसेकेराइड्स और ट्राईसेकेराइड्स में। तो मोनोसेकेराइड्स क्या है, जिसमें सिर्फ एक यूनिट क्या होगी हमारी, कार्बोहाइड्रेट की होगी। तो मोनोसेकेराइड विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू सिंपल फॉर्म्स, मोनोसेकेराइड्स को हम क्या है, सिंपल फॉर्म में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, हमारी सिंगल यूनिट में है। डाईसेकेराइड्स हमारा क्या है, विच ऑन हाइड्रोलाइज यील्ड टू मोनोसेकेराइड, डाई मतलब टू, तो टू जो डाईसेकेराइड्स होंगे हाइड्रोलाइज अगर उनका कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दो मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल से दो मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स में चेंज हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं टेस्ट्स फॉर ड्रग्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमें क्या करना है, कंफर्म करना है कि हमारे इस मैटर में, सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आता है रिएक्शंस ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है हमारा, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम रिएक्शन करवाएंगे। तो फेलिंग सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा, टू टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे। तो ए सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, और दूसरा जो हमारा सॉल्यूशन बी होगा उसमें क्या होगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होगा। दोनों को हम क्या करेंगे, एक और दो के इक्वल पार्ट को ले लेंगे और एडिट करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम अपने जो भी सब्सटेंस होगा उसके सॉल्यूशन पे। तो ऐड करने पे क्या होगा, जो हमारी रिड्यूसिंग शुगर्स होंगी वो किसमें, ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट हमें दे देंगी, ब्रिक रेड कलर का हमें प्रिसिपिटेट दे देंगी। तो रिड्यूसिंग शुगर्स हमारी क्या होती हैं, ऐसी जो शुगर जिसमें क्या होता है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप या फ्री कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट होता है। तो हमारी क्या होती हैं, ये हमारी होती हैं रिड्यूसिंग शुगर्स, और नॉन रिड्यूसिंग जिसमें हमारा क्या एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप एब्सेंट होता है। तो सिंपली अगर हमारा रिड्यूसिंग शुगर होगा उसमें हम क्या है, अपनी फेलिंग सॉल्यूशन को हम डालेंगे तो क्या होगा, हमें ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट मिलेगा, उससे हमें पता लग जाएगा हमारे उसमें कार्बोहाइड्रेट। तो नेक्स्ट हमारा आता है मॉलिश टेस्ट। तो मॉलिश टेस्ट हम कार्बोहाइड्रेट के लिए करते हैं। तो क्या होगा, हमें अगर इसमें किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी हमारे मैटर में अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, अगर हम उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, मॉलिश टेस्ट से, है ना। तो इसमें मॉलिश टेस्ट में हमारा क्या होता है, जो भी हमारा अल्फा नेप्थॉल होता है उसमें अगर हम अल्फा नेप्थॉल से अपना कोई भी सब्सटेंस अगर हम ट्रीट कराते हैं और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट कराते हैं तो वो हमें पर्पल कलर देगा, ठीक है। तो अगर हमारे किसी भी सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा तो सिंपली वो कैसा कलर दे देगा, पर्पल कलर दे देगा। तो अल्फा नेप्थॉल हमारा क्या होता है, सिंपली हमारा अल्फा नेप्थॉल होता है जिसे हमारा अल्कोहल हुआ, इथेनॉल एब्सोल्यूट हुआ, तो उसको ले लेते हैं हम। उसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सिरेटिन, है ना, डिस्टिल वाटर सबको, और क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सबका एक मिक्सचर बनाते हैं, वो हमारा अल्फा नेप्थॉल बन जाता है, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है अल्फा नेप्थॉल बनाने का। तो उसकी हेल्प से हम क्या अपने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर लेंगे मॉलिश टेस्ट में। तो जो नेक्स्ट हमारा टेस्ट है उसमें है ओसाजोन फॉर्मेशन। तो ओसाजोन हमारे क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ शुगर, शुगर के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो जब भी क्या है, हम हमारा क्या होगा, क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे येलो कलर के, जो हम क्या करेंगे, हमारा शुगर सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हम हीट कराएंगे किसकी हेल्प में, फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड सोडियम एसीटेट एंड एसिडिटी एसिड की अगर हेल्प में हम क्या करेंगे, अपना जो भी शुगर सॉल्यूशन है उसको हीट करेंगे तो हमारा येलो क्रिस्टल एक फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमें वहाँ पे पता लग जाएगा कि हमारे उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो जो नेक्स्ट टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट में वो है हमारा सेल्विनोफ्स टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, जो भी हमारा रिसोर्सिनॉल एक सब्सटेंस होता है उसके क्रिस्टल को हम अगर अपने शुगर सॉल्यूशन से ऐड कर देंगे उसमें, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसे वाटर बाथ में रखेंगे और हल्के से उसे वार्म करेंगे, ठीक है, और उसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे। तो सिंपली थोड़ी देर में हमारा एक क्या रोज कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमें क्या पता है उसमें कि उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है, तो फ्रक्टोज भी हमारी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो उससे सिंपली हमें पता लग जाएगा कि हमारे क्या जो भी ये हमारा जो भी हमारा सब्सटेंस है इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स, एल्कलॉइड, वोलेटाइल ऑयल्स, लिपिड्स, जो भी केमिकल नेचर केमिकल प्रोडक्ट्स होंगे इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।